यार एक खजूर दे देना यार, रास्ते में खुल सकता रोजा। अल्लाहुम्मा लका सुमतो वाला रिस्क का अफ्तर तो, अल्लाहुम्मा लका सुमतो वाला रिस्क का अफ्तर तो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों नाजावान नंबर 3 से लेकर मैं बलोच कॉलोनी ब्रिज तक जाऊंगा, क्योंकि मैंने जाना बलोच कॉलोनी ब्रिज की तरफ ही होता है, लेकिन कहां कहां से जाना होता है ये आपको जो है ना पता होना चाहिए कि मैं आज जो है ना कहां से निकला हूं। आज निकला हूं मैं बलोच कॉलोनी के लिए नाजावान नंबर 3 से, और नाजावान नंबर 3 से रोज़ा खुलने का टाइम मैं अभी बता देता हूँ आपको। पहुंचो, अंडरपास आ गया नाजाबाद का अंडरपास। यहाँ से अंडरपास से निकले मोहसिन भोपाली अंडरपास नाजाबाद का, यहाँ से हम सीधा घर की जानी रवाना तवाना। आवाज़ अगर आ रही होगी तो कम आ रही होगी, क्योंकि अगर हवा का दबाव ज़्यादा होता है ना तो माइक के ऊपर ज़्यादा हवा का दबाव आ रहा होता है, तो माइक जो है ना वो ज़्यादातर जो है ना हवा को कैच करता है और शरीर की आवाज़ को भी जो है ना कम करता है। लेकिन यह कोशिश करता हूँ मैं कि जहाँ पे थोड़ी मोटरसाइकिल स्लो करूँ तो वहाँ पर जो है ना बातचीत करूँ। ये अंडर पास से निकल गए हम दोस्तों, अंडर पास से निकल के हम लोग सीधा सिविक सेंटर की जानिब रवाना दवाना। नहीं नहीं सिविक सेंटर की तरफ नहीं यार, ये क्या हो गया, क्यूना डिपो की तरफ हमारा रुख, क्यूना डिपो नहीं, ये एक मिनट यहाँ पर गुजर नाला आएगा। चूना डिपो नहीं नहीं नाजाबाद, नाजाबाद 3 नंबर का गुजर नाला। आराम से जो है ना मोटरसाइकिल चलानी है, तेज़ नहीं चलानी है। ठीक है ठीक है ठीक है,
पास। ओहो हो, एक और अंडर पास। एक दो दफा मैं यहाँ से गया हूँ, बाकी अब यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से क्या सूरत हाल है। यहाँ से एक छोटा सा इन्होंने ये बनाया हुआ है। ओहो कैसे आदम का,
रास्ते में खुल सकता है रोजा। जहाँ खुला रोजा रहेगा